प्रोडक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं इस गीत का पार्ट 3 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप प्रैक्टिस कर चुके हैं और ये हमारा होगा पार्ट 3। इसमें हम सेकेंड अंतरा आपको बताएंगे, सेकेंड अंतरा और सेकेंड अंतरा के बाद में जो म्यूजिक आएगा वो, ठीक है। तो जिस तरह आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को प्रैक्टिस किया ठीक उसी तरह इसको भी प्रैक्टिस करना है। तो आइए देखते हैं किस तरह हमारा ये आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहे। तो जैसे हमारा फर्स्ट अंतरा बजने के बाद में फिर एक म्यूजिक बजता है, म्यूजिक के बाद में फिर आ जाता है सेकेंड अंतरा। तो जो म्यूजिक बजता है फर्स्ट अंतरा के बाद में वो म्यूजिक मैं आपको एक बार फिर से बजा के दिखाता हूँ। ये म्यूजिक बजेगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे आ जाएंगे बोल अंतरा के। तो सबसे पहले मैं आपको अंतरा की एक फर्स्ट लाइन गा के दिखाता हूँ। गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश हो, इस तरह हमारी ये फर्स्ट लाइन आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सरगम देखते हैं। गम सा और एक सानी, गम एक सा सानी चिट्ठी, चिट्ठी सा रे सा रे सा चिट्ठी, जिसमें रे रे गा, जिसमें खुशियों रेगा रेसा, खुशियों रेगा रेसा का। अब का आ जो है का जो होगा वो चार मात्रा का होगा, सागा रेगा का संदेश रेसा सा, संदेश रेसा सा। और उसके बाद आलाप हो, पहला हो आएगा मापे हो, ये मान के चलो एक ही हो ही है जो यहां से यहां तक आता है हो। मा रेसा नी, उसके बाद उसके बाद फिर यही लाइन रिपीट हो जाएगी। फिर इसी लाइन को आपको डबल करना है, मैं आपको बजा देता हूं एक बार। इतना ही बजेगा, ये जो हो वाला आलाप लिया था वो दोबारा नहीं बजेगा। अब यहां से हमारा गीत जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद जो लाइन आएगी उसको भी मैं आपको एक बार गा के दिखाता हूं। गीत कभी मन से उठता है जब लगती है ठेस, ये हमारी सेकंड लाइन होगी। गीत में सासा कभी रेसा नी, कभी रेसा नी मन मन नीनी से, मन नीनी से सानी से उठ उठ धापा मा उठ ता है मबधा धा। फिर से देखें, गीत कभी सासा रेसानी, मन मन नीनी से में सानी, मन से को अगर एक साथ कर देंगे तो नीनी सानी उठता है
मा पा धा धा उठता है धा पा मा पा धा धा जब लगती है जब धा धा लगती है सा सा नी धा पा ठेस सा ठेस के नीचे सा ठीक है जब लगती है ठेस धा सा सा नी धा पा पा उसके बाद जो लाइन आएगी इसके बाद जो लाइन आएगी आ चल गा मैं साथ तेरे आ चल गा सा रे सा मैं मा रे मैं साथ तेरे सा नी 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 मैं साथ तेरे मा रे सा नी 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 आ चल गा सा रे सा मैं साथ तेरे मा रे सा नी 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 इस तरह लेना टूटे सान छूटे छूटे ये संसार इस तरह ये हमारी लास्ट लाइन आएगी ले ना रे रेगा ले ना छूटे टूटे टूटे रे सा सानी ले ना रे रेगा टूटे रे सा सानी सान छूटे निधा निसा निधा पा साथ ना छूटे निधा निसा निधा पा छूटे पाधा धने छूटे ये संसार ये आएगा मापे ये संसार गा पाधा निसा गपाधनीसा ये संसार इस तरह उसके बाद फिर वही फर्स्ट लाइन पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार गूंजती छम 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 तेरी पायल के झंकार इस तरह हमारा ये सेकंड अंतरा आएगा इसके बाद में एक छोटा सा म्यूजिक का फ्रेज उसके बाद अलाप आएगा फिर से जैसे म्यूजिक का फ्रेज किस तरह आएगा इस तरह पूरा सरगम एक साथ पाधा नी सा रेगा इसके बाद यहां से आ जाएगा अलाप ये अलाप आएगा ठीक है सरगम क्या होगा गा रे सा नी रे सा धा पा गा रे सा नी रे सा धा पा ये पहला फ्रेट दूसरा नी मा रे धा नी पा नी मा रे धा नी पा इतना बजने के बाद फिर आ जाएगा अगला अंतरा ठीक है तो इस वीडियो में आप इस सेकेंड अंतरा को और इस आलाप को प्रैक्टिस करें और बाकी के जो दो पार्ट मैंने दिए उनको भी प्रैक्टिस करें अगर वो आपको नहीं मिले तो उसका लिंक मैं इनके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से आप पहले पार्ट टू पार्ट वन को प्रैक्टिस करें फिर इस पार्ट को प्रैक्टिस करें तो आपका दो अंतरे और स्थाई और म्यूजिक सब तैयार हो जाएगा इसके बाद एक अंतरा और बचता है
वो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप क्लास ज्वाइन करें। मेरी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल से और वीडियो ट्यूटोरियल से भी, तो कोई भी क्लास आप ज्वाइन करके घर बैठे ही सीख सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं, नमस्कार।